हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो आजकल पेरेंट्स के कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एडमिशन इन केवीएस फॉर क्लास वन और फॉर एनी अदर क्लास इसलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केवी में एडमिशन का क्या प्रोसीजर है और किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है एडमिशन गाइडलाइंस से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं के में क्लास वन के एडमिशन ट्वेंटी ऑफ फेब से स्टार्ट होंगे और ये ऑनलाइन होते हैं उसके अलावा सेकेंड ऑनवर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में अगर आप एडमिशन चाहते हैं सो उसकी डेट्स अभी फाइनल नहीं हुई है बट वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट होंगे और इन क्लासेस के एडमिशन ऑफलाइन होते हैं एक्सेप्ट क्लास इलेवन यानी कि आपको विद्यालय जाना होगा अगर आप सेकेंड ऑनवर्ड्स किसी क्लास में एडमिशन चाहते हैं अगर सीट वैकेंट होगी तो एडमिशन के लिए वो एप्लीकेशन लेंगे अदरवाइज नहीं बाकी फर्स्ट क्लास की डेट्स आ गई हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी संगठन रिलीज कर देगा जल्दी ही कई बार पेरेंट्स को देखा गया है कि वो विद्यालय चले जाते हैं कि फॉर्म कब से निकल रहे हैं या फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं उनको लगता है शायद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जिनके लिए काफी टाइम उनको लगेगा जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे पहले बात कर लेते हैं एज की क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया वही है फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए एलिजिबल एज फॉर एडमिशन अ चाइल्ड मस्ट बी फाइव ईयर्स ओल्ड ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च इन दर इन विच एडमिशन इज शॉर्ट फॉर क्लास वन क्लास वन में जिस भी अकेडमिक ईयर में आप एडमिशन चाहते हैं उसके थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च तक बच्चा कम से कम पाँच साल का होना चाहिए मिनिमम एज है फाइव ईयर्स और मैक्सिमम है सेवन ईयर्स इसका मतलब है द चाइल्ड मस्ट बी बॉर्न बिटवीन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फिफ्टीन टू फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवनटीन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दो डेट्स के बीच में है तभी आप एलिजिबल है एडमिशन के लिए इससे पहले है तो आप ओवर एज माने जाएंगे इसके बाद है तो अंडर एज माने जाएंगे और वो एडमिशन अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा एडमिशन के टाइम पर फर्स्ट क्लास में सबसे पहले एज ही चेक की जाती है आप जब फॉर्म भी फिल करेंगे तो उसमें एक ही डॉक्यूमेंट लगता है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और आपकी एक फोटो बाकी कोई और डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं सो इसको आप एक बार जरूर चेक कर लें बाकी क्लासेस का अगर आप देखना चाहें सेकंड में फिर सिक्स टू एट है थर्ड में मिनिमम सेवन मैक्सिमम नाइन एट टेन इस तरीके से ओके द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्सड बाई टू ईर्स इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन बाय द प्रिंसिपल अगर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है तो उसके लिए मैक्सिमम एज सेवन नहीं नाइन ईयर्स है फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए एंड देर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर क्लास इलेवन इसकी हम तब बात करेंगे जब इलेवेंथ क्लास की एडमिशन नोटिफिकेशन आएगी अभी फर्स्ट क्लास को देखते हैं ओके सो सबसे पहले तो आपको एज चेक करनी है उसके बाद अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और उसकी एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की फोटो आपको अपलोड करनी होगी केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि है के वी एस ऑनलाइन एडमिशन डॉट के वी एस डॉट जी ओ वी डॉट इन क्योंकि अभी कोई भी एडमिशन ओपन नहीं है केवी में इसलिए साइट भी ओपन नहीं होगी ये ट्वेंटी एट ऑफ फेब से ही वर्क करना स्टार्ट करेगी तब आपको एक बार बता भी दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एक बार दिखा देते हैं ये इस तरीके से फर्स्ट पेज ओपन होगा आपका न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पर प्लीज फिल द इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश ओनली ये इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इंग्लिश में ही फिल करनी है हालांकि डिटेल्स इधर हिंदी इंग्लिश दोनों में दी है इन्फॉर्मेशन एंटर कैन नॉट बी आफ्टर सबमिटिंग एक बार अगर फॉर्म आप सबमिट कर देते हैं तो सबमिशन के बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप ध्यान से ही फिल करेंगे सबसे पहले है फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड बच्चे का नाम मिडिल नेम लास्ट नेम अगर कोई है इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड क्या बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है यस yes या नो में से कुछ आपको चूज करना है यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे नेक्स्ट है इज द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन अ चाइल्ड और ग्रांड चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉय क्या जिस बच्चे का आप एडमिशन चाह रहे हैं उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी के वी एस एम्प्लॉय है येस yes या नो no आपको चूज करना है ये के वी बोर्ड्स को ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलती है सो तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पर रखा जाए उसके लिए जस्ट ये क्वेश्चन है नेक्स्ट इज ई मेल पेरेंट्स में से कोई भी अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना है आपको मोबाइल नंबर वर्किंग देंगे आप क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद आफ्टर टू थ्री वीक्स आपके पास फोन आता है स्कूल से कि बच्चे का नाम आया है लिस्ट में और आपको एडमिशन के लिए आना है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ ओके okay? उसके बाद क्या आप एंड देन आप रजिस्टर हो जाएंगे और उसके बाद जो डिटेल्स हैं पेरेंट्स की डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन वो सब करेंगे ओके okay? अभी रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स और देख लेते हैं सपोज करिए लॉटरी में आपका नाम आ गया और आपका केवी में एडमिशन हो जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी आपको सबमिट करने हैं बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड जो आपने पहले भी अपलोड किए थे साइट पर आप ये दोनों लेकर जाएंगे हार्ड कॉपी में प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड पी एस एम्प्लॉय ये उनके लिए है अगर किसी एम के ग्रैंड चाइल्ड को एडमिशन चाहिए के में तो उसके लिए प्रूफ देना होगा अगर आपके ग्रैंड पेरेंट मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है ओके प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ़ के वी एम्प्लॉय अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के में नहीं है तो इसकी भी आपको जरूरत नहीं है कैंडिडेट्स प्रूफ ऑफ रेजिडेंस सर्टिफिकेट ये सबको देना है केवी में एक रूल है कि जहाँ पर वो केवी सिचुएटेड है उसके विद इन एट किलोमीटर के रेडियस में ही आपका रेजिडेंस होना चाहिए और इसके लिए आपको प्रूफ देना होता है प्रूफ में सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन होती है पेरेंट की एक बार दिखा भी देते हैं इसको आप प्रिंट करा लेंगे या स्कूल से भी मिल जाता है देन आए आपका नाम फादर या मदर ऑफ बच्चे का नाम बियरिंग एप्लीकेशन सबमिशन कोड एप्लीकेशन कोड जो है वो स्कूल से आपको मिल जाएगा डिक्लेयर करता हूँ दैट द रेडियस डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड आर रेजिडेंस स्कूल और हम जहाँ पर रहते हैं उसके बीच का डिस्टेंस इतने किलोमीटर्स है यहाँ पर एट से कम कितना भी आप लिख दीजिए डेट एंड आपके सिग्नेचर्स नेक्स्ट इज एन एफिडेविट इन केस ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आपका एडमिशन एस के अंडर हुआ है यानी कि बच्चा आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसका कोई भी सिबलिंग नहीं है दूसरा कोई भाई बहन नहीं है तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट देना होगा कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है कि आप ओबीसी या एस टी कास्ट से है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना है या फिर ई डब्ल्यू एस बी पी एल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बिलो पॉवर्टी लाइन से है तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी और हैंडी कैप्ट अगर आप है डिसेबल याडी कैप तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट देना है अदरवाइज नहीं सर्विस सर्टिफिकेट शोइंग द नंबर ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सेवन ईयर्स अगर आपके पेरेंट्स किसी ट्रांसफरेबल जॉब में हैं तो पिछले सात साल में कहाँ कहाँ उनके ट्रांसफर्स हुए हैं उसके लिए सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा अगर नहीं है तो ये भी नहीं आपको देना है सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय अगर पेरेंट ने बी लिया हुआ है या फिर रिटायर हो चुके हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट ओके सो दैट्स ऑल ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो सभी को देने हैं बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रेजिडेंस प्रूफ अगर जनरल से है तो बस इतना ही अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और बाकी जो भी रिलेटेड हो आपसे इसके अलावा कोई भी आपको प्रीवियस क्लास की मार्कशीट या कहा पर उसने प्ले स्कूल किया है या फिर एल के जी यू के जी ऐसा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना है ओके सो दैट्स ऑल जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी या फिर ट्वेंटी ऑफ फेब को साइट ओपन होगी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये दोनों चीजें आपको बता दी जाएगी अभी के लिए इतना ही Okay, thank you so much for watching.